अंतरिक्ष, जिसके बारे में जानने के लिए किस शख्स में जिज्ञासा नहीं होती। हर दूसरा शख्स ये जानना चाहता है कि आसमां के परे क्या है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ही दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लगी हुई हैं। भारत भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत का इसरो गगनयान मिशन के जरिए 3 इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी में जुटा है। भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में तो चले जाएंगे, 7 दिन घूमकर चले भी आएंगे, लेकिन एक सवाल जो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है वो ये कि क्या अंतरिक्ष में सेक्स किया जा सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर इंसानों को बसाने की तैयारी चल रही है। मंगल से लेकर चांद तक में जीवन की गुंजाइश ढूंढी जा रही है। चांद और मंगल पर जल्द ही इंसानी बस्ती बसाने की बात हो रही है। आज भी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। जब भी कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो वो जहां पर जाकर रुकते हैं वो स्थान है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, या जिसको शॉर्ट में ISS कहते हैं। एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। एक बार यहां जाने के बाद अंतरिक्ष यात्री 6 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटते हैं। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि इतने समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले कैसे सेक्स करते होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले महिला और पुरुष महीनों साथ साथ रहते हैं, तो क्या इस दौरान वे एक दूसरे के साथ अंतरिक्ष में सेक्स भी करते हैं? क्या अंतरिक्ष में सेक्स संभव है? क्या अंतरिक्ष में आज तक किसी ने सेक्स किया? अगर हाँ तो किसने? और साथ ही जानेंगे अगर अंतरिक्ष में सेक्स संभव है तो कैसे। आइए आज इस वीडियो में आपके उन अंतरिक्ष में सेक्स से संबंधित सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में उठते होंगे। हमें पूरी आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अभी तक करीब 500 से अधिक लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। हालांकि ये नंबर सटीक है या नहीं इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़त होगी, क्योंकि अब लोगों को अंतरिक्ष में घुमाने की भी तैयारी चल रही है। लोग छुट्टी मनाने अंतरिक्ष में जा सकेंगे, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अंतरिक्ष में यात्री सेक्स कर सकते हैं या नहीं। अंतरिक्ष में सेक्स को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक 2 ग्रुप्स में बंटे हुए हैं। कुछ मानते हैं कि अंतरिक्ष में सेक्स संभव है और हो भी चुका है, और कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अंतरिक्ष में सेक्स संभव ही नहीं है। अमेरिका के स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के पूर्व प्रमुख मेजर जनरल रिटायर्ड चार्ल्स फ्रैंक बोल्डन जूनियर का कहना है कि चूंकि वहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, लिहाजा शरीर को कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है, तो वहां सेक्स कैसे संभव होगा। नासा के ही एक दूसरे साइंटिस्ट जॉन मिलिस का कहना है कि स्पेस में सेक्स करना ठीक वैसा ही होगा जैसा स्काई डाइविंग करते हुए इंटरकोर्स करना। इस दौरान हर एक पुश या थ्रस्ट आपको पार्टनर के करीब लाने की बजाय उल्टी दिशा में धकेलेगा। अंतरिक्ष में अगर दोनों व्यक्ति सही तरीके से बंधे ना हो तो हल्का सा टच भी दोनों पार्टनर को एक दूसरे के साथ खड़े रहने में मुश्किल पैदा कर देता है। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई इंसान किसी ऐसी जगह पर होता है जहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो वहां पर खून आपके शरीर के निचले हिस्सों यानी प्राइवेट पार्ट्स में जाने की बजाय सिर की ओर जाता है। इस वजह से महिला और पुरुष दोनों के लिए ही उत्तेजना महसूस करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही अंतरिक्ष में मेल टेस्टोस्टेरोन लेवल तेजी से गिरने लगता है
और स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के सेक्स ड्राइव यानी काम इच्छा में बहुत कमी आने लगती है। अंतरिक्ष में मितली आना, चक्कर आना, पसीना और थकान की समस्या होने लगती है। फिर ऐसी स्थिति में तो सेक्स करना वास्तव में एक बड़ी चीज हो सकती है। लेकिन रुकिए, ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष की यात्रा पर रहने के दौरान यानी स्पेस स्टेशन पर 6-6 महीने महिला और पुरुष साथ रहने के बीच ये तर्क काम नहीं करते, क्योंकि नासा के वैज्ञानिक ही कह चुके हैं कि अंतरिक्ष में सेक्स संभव है और पहले कपल्स कर भी चुके हैं, जिसका जिक्र अंतरिक्ष पर आधारित एक किताब में भी हुआ है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेखक पियरे कोहलर ने अपनी किताब द फाइनल मिशन मीर द ह्यूमन एडवेंचर में दावा किया है कि 1996 तक एक कपल अंतरिक्ष में यौन संबंध बना चुका है। वो कपल रूस से था, जबकि 1992 में नासा ने एक शादीशुदा जोड़े मार्क ली और जेन डेविस को हनीमून ट्रिप पर भेजा था, लेकिन इसके नतीजे कभी साझा नहीं किए। यानी साफ है कि अंतरिक्ष में सेक्स तो हुआ है, लेकिन उस बात को आज तक पब्लिक नहीं किया गया है। कुछ यात्रियों ने बताया कि अंतरिक्ष में सेक्स के लिए डॉल्फिनों वाला तरीका इस्तेमाल होता है, यानी शून्य ग्रेविटी में कोई तीसरा या चौथा शख्स हर एक्शन के बाद दोनों को पीछे से धकेलने का काम करता है, जबकि कुछ अन्य यात्रियों के द्वारा अंतरिक्ष में सेक्स करने का अलग तरीका बताया है। उनके अनुसार अंतरिक्ष में सेक्स करने के लिए जैसे सोने के लिए शरीर को स्लीपिंग बैग में बांधना पड़ता है, वैसे ही सेक्स करने के लिए कपल्स एक दूसरे के शरीर को बांध लेते हैं और उसके बाद अंतरिक्ष में सेक्स का आनंद लेते हैं। अमेरिका के स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के पूर्व प्रमुख रहे मेजर जनरल रिटायर्ड चार्ल्स फ्रैंक बोल्डन जूनियर से जब पूछा गया कि आखिर अंतरिक्ष में सेक्स करने और बच्चे पैदा करने की क्या संभावनाएं हैं, इस सवाल के जवाब में चार्ल्स ने कहा कि अंतरिक्ष में कुछ भी करने का कोई अलग तरीका नहीं है, बल्कि सब कुछ वैसे ही किया जाता है जैसे धरती पर। अंतर सिर्फ इतना है, चूंकि वहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, लिहाजा शरीर को कंट्रोल में रखना मुश्किल होता है, लिहाजा अंतरिक्ष में खुद को स्थिर रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अंतरिक्ष में सेक्स संबंधित जब तक कोई प्रामाणिक डाटा नहीं सामने आता, तब तक अंतरिक्ष में सेक्स महज एक अफवाह ही माना जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अंतरिक्ष में सेक्स होता है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं और सोते हैं और कैसे पेशाब और पॉटी जाते हैं, तो इस टॉपिक पर हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस अच्छी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्त और रिश्तेदार भी कुछ अच्छा सीख पाएं। साथ ही आप भी वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।